मुकेश कुमार मीणा जी, जो आप यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या मांगे, किन मांगों को लेके बैठे हैं? देखो, 5 तारीख को एक UGC ने लेटर फॉरवर्ड किया था जिसमें डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनाने की मांग थी। अब मैं आपको रोस्टर के बारे में बताऊं कि रोस्टर एक सिंपल सी कैलकुलेशन है सीटों को परसेंटेज के अनुसार बांटने की। अब परसेंटेज के अनुसार बांटने की कैलकुलेशन है जिसमें क्या है कि ST का 7.5%, SC का 15%, OBC का 27% बनता है। इसका एक सही कैलकुलेशन 200 पॉइंट बेस रोस्टर करता है जिसमें क्या है कि सभी को रोस्टर का पॉइंट खत्म होने पर समान सीटें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसको क्या है कि DOPT के नाम से ये पॉपुलर रहा है, जो DU में भी अनऑफिशियल रूप से 1998 से लेकर 2013 तक पॉपुलर रहा, जिसके कारण बहुत सी कॉलेज में ST की सीट कभी आई नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं एक रामजस का एग्जाम्पल देता हूँ कि रामजस में 2013 तक एक भी ST का अपॉइंटमेंट उधर नहीं किया गया। तो क्या मानना है, क्या ST वाले लोग पढ़ते नहीं है, या मतलब क्या इनकी क्या सोच है? देखो, पहले इसमें बात यह है कि पहले सीट बननी चाहिए। अगर आप क्या है कि मिस कैलकुलेशन कर या फिर क्या है कि जोड़ भाग गुना भाग में कैलकुलेशन कर उम्मीद नहीं की जाती कि प्रोफेसर लेवल के व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और क्या है कि जिसमें क्या है कि इतने इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, वो जोड़ भाग गुना भाग में क्या है कि बेईमानी करेंगे। मतलब ये सभी को मालूम पड़ता है, लेकिन क्या है कि इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करते हैं। जब तक इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आती, उसी तरह से जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती, कोई उनको चोर कह नहीं सकता। तो कोशिश ये करते हैं कि इस तरह का फार्मूला बनाया जाए जिससे कुल मिलाकर हमको ही फायदा हो। जैसे भालू और आपने आदमी की कहानी सुनी होगी जिसमें क्या है कि पहले नीचे का लोगे तो फिर क्या है कि वो क्या है कि नीचे का लोगे तो कोई दूसरी फसल बोएंगे और ऊपर लगा लेंगे तो दूसरी फसल। मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 2013 में एक गलत रोस्टर, जो या गलत नहीं कहा जाए, जो भी हमने एक 200 पॉइंट रोस्टर अडॉप्ट किया जिसमें बहुत प्रॉब्लम होने के बाद भी क्या है कि सब उससे एग्री करते थे। 2000 अब एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें डिपार्टमेंट वाइज बांटने की बात की है। इससे नए कॉलेज और डिपार्टमेंट जो अभी शुरू हो रहे हैं उनमें ST की पोस्ट 14वें नंबर पर पहुंच जाती है। मैंने सोशल साइट पर कैलकुलेशन करके बताया कि ये 200 पॉइंट किसी भी रूल का फॉलो नहीं करता है। मींस जिस हाई कोर्ट के जजमेंट से ये इस्टेब्लिश होता है कि आपको सभी कैटेगरी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यानी कि अनरिजर्व को भी प्रतिनिधित्व, वही जजमेंट ये भी इस्टेब्लिश करता है कि SC ST OBC को उनके रेशो के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सागर जी, अभी एक और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो एट्रोसिटी वाला जो मामला है कि आप एक तरफ आपका साथ में जो यूनिवर्सिटी का चल रहा था, दूसरा वो एक अभी गर्म घाव खत्म भी नहीं हुआ उससे पहले दूसरा घाव और दे दिया कि एट्रोसिटी का जो मैटर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखो, मेरा सीधा सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है उसको सबसे पहले अपने खुद के जजमेंट में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से बहुत सी चीज़ों पर इसलिए जजमेंट नहीं दे रहा कि उनके डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा के बाद उसका एनालिसिस अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बिना कोई कमेटी बनाए अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो निश्चित रूप से पार्शियल दृष्टिकोण होगा, उसमें सभी की जो ग्रीवेंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो ये निश्चित रूप से गलत है कि जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 पिटीशन के एप्लीकेशन के आधार पर इस तरह का डिसीजन लिया है। अगर दूसरी बात यह है कि जुडिशरी आजकल बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव को या जो हमारी कार्यपालिका है उसको ओवरलैप कर रही है। जब आपका एक डिसीजन पहले से इस्टेब्लिश है, जुडिशरी को हम देखते हैं बहुत सी PILO में जुडिशरी डिसीजन नहीं ले रही है, अभी वो आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये पार्शियल या सिलेक्शन कर डिसीजन देना ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उत्पन्न करता है। और ये कहता है कि जुडिशरी में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि अब लोग डायनेमिक हो गया तो उसके कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, वो कभी भी हमारे संविधान के प्रिंसिपलों से बाहर नहीं जा सकता। और अगर जो भी आप प्रिंसिपल बनाना चाहिए वो पब्लिकली होनी चाहिए। आप क्या है कि कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं बना सकते जो किसी को पता ही ना हो। इस चीज़ को बायस डिसीजन ही कहा जाएगा और जुडिशरी को इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो संसद को जो कि सबसे बड़ी न्यायपालिका है उसको क्या है कि इसको टेकअप करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी मूल भावना यही है। पूरे ज़्यादा फैक्ट लेकर इस चीज़ को एनालिसिस किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से उससे सब लोग दुखी तो हैं। सर, आगामी योजना क्या रहेगी आपकी इस धरने को लेकर? देखो, हमारा ये एक्शन प्रोग्राम है, हम इसको क्या है कि धीरे धीरे वाइड करेंगे। अब हम पहले डोटा का सपोर्ट ले रहे हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपोर्ट लेंगे। और तुम जानते हो कि ये चीज़ें छोटी हैं। आप इनका सपोर्ट लेके आप आवाम का भी, जो आम जनता, उसका भी सपोर्ट लेना चाहेंगे? देखो, इसमें भले ही टीचर पहली स्टेज में प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में वो 85% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही है, तो उनको
इस तरह की चीज़ों से अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से ये एक बड़ी लहर बन के आएगी जिसको क्या कहें कि सामना करने का साहस मेरे को तो नहीं लगता किसी में होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।